सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन गाइस। तो फिर गाइस बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं खुश हूँ क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है भाई वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। वो किसकी है वो मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे जो फिगर है वो देख लो, एक मिनट। मेरा जो ये फिगर है पूरा, मैं ज़रा फैट हूँ, एक मिनट। मैं फैट हूँ बहुत, तो फिर बहुत लोग कह रहे थे कि ज़रा कम करो, तो फिर भाई मैंने फाइनली ये कर लिया कि मैं अभी फिटनेस पे वर्क करूँगा। तो फिर मैंने कुछ अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है मेरे फिटनेस के लिए, जो कि है होम जिम। तो फिर मैंने होम जिम ऑर्डर किया गाइज, मैंने इसे खोल दिया है क्योंकि चेक करना था, क्योंकि प्राइस बहुत कम था। तो फिर मुझे डाउट था कि इतने इसमें ये जो क्वालिटी हमें मिलेगी वो अच्छी मिलेगी कि नहीं, बट भाई यार क्वालिटी बहुत बढ़िया मुझे मिली। तो फिर ये वीडियो मुझे लगा, ये जो है वो मुझे लगा कि शेयर कर दूँ, तो फिर मैं करने वाला हूँ इसे शेयर। और अब हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग। मैंने इसे खोल दिया है गाइज, इसलिए इसे अनबॉक्सिंग तो उस टाइप से नहीं कह सकते। तो फिर गाइज चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपना जो अनबॉक्सिंग का वीडियो है, जल्दी से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1, लेट्स बिगिन। तो फिर गाइस ये देखो ऐसा बॉक्स दिख रहा है पूरा का पूरा, ये यहाँ पे सेट है। तो फिर मैं बता दूंगा ये कितने हैं। तो फिर ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है, यहाँ पे ऐसा सब कुछ है, ये देखिए फुल्ली ओपन। तो फिर मैं अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ ये। सो लेट्स स्टार्ट। तो फिर गाइस सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं इसे। चार, पाँच, छः, सात और ये हुआ आठ। बहुत यार। तो फिर गाइज ये है रोलर्स, जो कि ये 2 kg का है एक, ये 2 kg का वापस से, और इसमें भी है अनबॉक्सिंग मैच। तो फिर गाइज यहाँ पे है 3 kg का, वापस से 3 kg का। तो फिर गाइज मैं बता दूँ ये कितने यूनिट्स है। तो फिर ये 4 हो गए और ये 4 है, ये 4 यूनिट्स। तो फिर 3 kg के 4 यूनिट्स और 2 kg के 4 यूनिट्स मिला के होते हैं 20 kg। तो फिर मैंने 20 kg डंबल्स ऑर्डर किए हैं, मतलब ये रोलर्स ऐसे। तो फिर मैंने सिर्फ यही ऑर्डर नहीं किया है, मैंने उसके मटेरियल्स भी ऑर्डर किए, तो फिर उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे हम। सो अभी करते हैं अनबॉक्सिंग रॉड्स की। सो लेट्स अनबॉक्स द रॉड। तो फिर गाइस अभी क्या निकलता है बॉक्स से वो देखते हैं, अगर रॉड नहीं निकला तो दूसरा कुछ निकलेगा। सो लेट्स अनबॉक्स द बॉक्स। तो फिर यहाँ पे बॉक्स, तो फिर यहाँ पे निकलता है ये, क्या ये कैरी बैग, प्लास्टिक इज बैग। दिस इज अ स्किपिंग रोप। यस, इस सेट में एक स्किपिंग रोप भी आया, और आपको ये छूट लग रहा होगा, ये जो है ये मैं सारा इस बॉक्स से निकल रहा हूँ। ये बॉक्स जो है यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा है कैमरा के सामने, इसलिए मैं इसे नहीं कर रहा। तो फिर एक स्किपिंग रोप भी मुझे मिल जाती है इस सेट में, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी की है। प्राइस मैं आखिर में बताऊँगा, इसके बाद क्या निकलता है। ये है एक बिल मेरा, और उसके बाद मिल जाता है एक कार्ड,
तो फिर गाइस ये जो कार्ड है जो जिस कंपनी के साथ मैंने ये लिया है अमेज़ॉन से लिया है, बट जो कंपनी ने मुझे भेजा है उस कंपनी का कार्ड है ये, जो कि बहुत ही ये हो चुका है। तो फिर जो कंपनी है वो है ये कोर, आई कोर, सॉरी क्या है, हाँ कोर फिटनेस, इन्होंने मुझे भेजा है। तो फिर आप ये देख सकते हो स्क्रीनशॉट मार के कर लो, इसके बाद गए वापस से प्लास्टिक इज बैन। इट इज अ फिटनेस बैग, यस ये एक फिटनेस बैग है। हाँ क्वालिटी वर्थ इट। जिप की आवाज़ आ रही मस्त है और जगह भी कंफर्टेबल है, ये आप देख सकते हो बहुत बड़ी बैग है। तो मेरा मुंह भी जा रहा देख सकते हो ना। सो ये बैग भी मुझे मिली है जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। फिर उसके बाद क्या निकलता है लेट्स सी। तो फिर गाइस उसके बाद क्या निकलता है देखते हैं। तो फिर वापस से प्लास्टिक निकला यार। तो फिर गाइस इसमें मिलते हैं हमें एक सेट ऑफ ग्लव्स, ये आप देख सकते हो बहुत ही डिसेंट क्वालिटी है, नॉट अ बैड क्वालिटी, बट पूरा लेदर नहीं है ये। तो फिर चलो कोई बात नहीं, मेरे साइज़ को तो मतलब इतने पैसों में इतना सारा तो बनता है बॉस, नॉट अ प्रॉब्लम, डिसेंट क्वालिटी भाई को दे दूँगा। इसके बाद मिल जाता है हमें ये, इसे क्या कहते हैं क्या पता, पर प्लास्टिक क्यों, अच्छे क्वालिटी का है गाइस। ये नीचे वुड दिया गया है, पूरा वुड है और फिर वहाँ आगे स्प्रिंग है, इसे क्या कहते हैं मुझे 100% तो नहीं मालूम, बट अगर आपको ये नाम मालूम है तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्योंकि मुझे नहीं मालूम। तो फिर अच्छा है, क्वालिटी इज़ गुड। नेक्स्ट वन। तो फिर गाइस डंबल्स यूज़ करते समय बहुत ही मेन चीज़ रहती है वो रहती है उनका जो कॉर्क होता है वो, इसलिए गाइस जब भी मैंने इसे खोला तो फिर मैंने इसे कैरी बैग में ही डाल दिया क्योंकि यार घुमाना नहीं है मुझे। तो फिर मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिला है मुझे, ये कैरी बैग में साइड में रख देता हूँ। तो फिर ये जो है ये मुझे मिले हैं चार ऐसे। तो फिर ये क्या है, तो फिर ये जो है वो बड़े रॉड्स के लिए होती है जो कि मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा इसी वीडियो में या फिर अगले वीडियो में, क्योंकि ये सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो है, मैं इसका एक रिव्यू यूनिट भी ज़रूर बताऊंगा। तो फिर ये चार मुझे मिले हैं और ये मिले हैं दो गाइस, ये पूरे प्लास्टिक है, ये आप देख सकते हो, आवाज़ सुन सकते हो आप। ऐसे दो और है जो कि पहले से एक डंबल पे लोडेड है, तो फिर मैंने उसे नहीं निकाला, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो ऐसा है तो फिर मैं इसे वापस अपने बैग में रख देता हूँ। सो गाइस अभी सबसे मेन चीज़ अनबॉक्स करते हैं वो है डंबल्स के रॉड, सो लेट्स बिगिन। तो फिर गाइस चलो जल्दी से डंबल्स अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स नहीं मतलब रॉड निकालते हैं। तो फिर सबसे पहली रॉड क्या निकलती है, तो फिर गाइस सबसे पहली रॉड निकलती है ये 14 इंचेस की, ये नहीं गाइस ये अपने ये है। तो फिर इसमें वेट्स तो नहीं लगाए गए हैं, सिर्फ ऐसा ही है। तो फिर मैंने जैसे बताया था ये कॉर्स पहले से फिटेड है, तो फिर आपको इसे निकालना है यहाँ से और फिर इसमें डंबल्स लगाने और हो जाएगा। और गाइस मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, इसमें दो, ये जो दो है वो इस साइड और इस साइड बैठ जाएंगे, इसके बाद भी और दोनों साइड में बैठ जाएंगे, तो फिर इट्स रियली वर्थ इट। तो फिर दो बैठना तो भाई, बट मैं नहीं करने वाला क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी डंबल्स उठाने की,
तो फिर यार मुझे मेरे शोल्डर्स पे रिस्क नहीं लगाना है, मैं एक एक के ही उठाऊंगा। तो फिर ऐसा है ये दो, फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं क्या अनबॉक्स होते हैं। तो फिर गाइस इसके बाद अनबॉक्स होता है ये, जो कि है ये कर्ल रॉड, जो कि ऐसी दिखती है, जो कि ऐसे दिखती है गाइस कर्ल रॉड, जो कि पूरी शायद से मेटल है शायद से, और यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग्स भी की हुई है ग्रिप के लिए। तो फिर यार बढ़िया क्वालिटी है, और आपको इसमें ये कैसे फिट करना है, आपको क्या करना है, इसे ये इजीली ऐसे तो नहीं जाएगा, ये आप देख सकते हो इजीली नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ पे उसे प्रेस करना है, सॉरी अरे चलो ऐसा ऐसा ऐसा, तो फिर इसे ऐसा अंदर ढकल दो बस, इसे आपको और निकालना है तो प्रेस करो निकाल दो ऐसा है। तो फिर ये वापस रख देता हूँ, ऐसा है। एक और चीज़ बाकी यार, लीव मत करना, देख लेना। सो जो आखिर की चीज़ है वो बहुत बढ़िया है, वो मुझे बहुत पसंद आई, सो लेट्स अनबॉक्स इट। तो फिर गाइस जो आखिर की चीज़ जो अनबॉक्स करनी है वो करते हैं जल्दी से, इसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है यार। निकला इजीली निकला। तो फिर गाइस ये है रॉड, जो कि बहुत ही बड़ी है, क्या मालूम मेरे हाइट के हिसाब से ये मेरे शोल्डर तक आती है यहाँ तक। तो फिर मेरी 5.8 है, तो फिर शायद से ये 5.6 इंचेस या 5.7 इंचेस की रहेगी, आई एम नॉट श्योर गाइस, सॉरी 6 फीट का हूँ मैं, तो फिर नहीं कितने इंचेस को यार 6 5.7, छोड़ दो। तो फिर ऐसा है ये, इसके लिए भी ये जो कॉर्क है वो आपको प्रेस करना है, घुसाना है, प्रेस करके निकालना है। तो फिर गाइज ऐसा है, तो फिर मैं क्या करता हूँ सारे यूनिट्स आपको एक साथ लगा के दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है ये, सो लेट्स मीट यू। तो सब कुछ मैं असेंबल करता हूँ और वापस आपको मिलता हूँ, लेट्स मीट यू। बहुत बड़ा मैस हो गया यार। तो फिर गाइस ये सारी चीज़ें मिली है, तो फिर मैं लाइन में बता दूँ, ये एक बैग है फिटनेस बैग, ये एक कर्ल रॉड, और 4-3 केजी के रोल्स और 2 केजी के, और उसके बाद ये 2 डंबल्स के रॉड, और ये बड़ी वाली रॉड, और फिर यहाँ पे है कॉर्क, जो कि मुझे ये जो मिले हैं वो 4 है, और ये जो मिले हैं वो 4 है। तो फिर ये एक स्किपिंग रोप है, ये जो है वो क्या मालूम क्या है, ये ग्लव्स, लेदर ग्लव्स क्या मालूम, वो पूरा ग्लव्स है, और ये विजिटिंग कार्ड, जो कि मैं इसे अरे ऐसा रख देता हूँ। तो फिर गाइस और कुछ नहीं है, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, इतना बड़ा बॉक्स आया था, इतना बड़ा, और इतना सारा प्लास्टिक ये भी है, फिर क्या करना है देखते हैं। तो फिर गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, और जो इसके रिव्यू वीडियोस होने वाले हैं कि ये कैसा मटेरियल है क्या होने वाला है, तो फिर गाइस ये शायद से कल आएगी या फिर ये वीडियो के बाद आएगी, मतलब क्या मतलब जब ये वीडियो अपलोड होगी इसे मैं एडिट करूँगा अपलोड करूँगा, उसके बाद उसके अगले दिन इसका रिव्यू वीडियो आएगा, जो कि मैं ज़रूर बनाने वाला हूँ, और देखते हैं इसका मटेरियल कैसा है। तो फिर गाइस फिटनेस पे वर्क करना है। तो फिर आज का वीडियो यहीं तक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, और मैं ये जो मटेरियल लिया है उसका प्राइस क्या है वो मैं बता दूँ। तो फिर गाइस ये जो सारा सामान है वो मुझे मिला है 1999 रुपीज़ में, यस गाइस सिर्फ 2000 रुपीज़ में मुझे इतना सारा मिला है,
सॉरी गाइस, बैटरी लो हो गई है, ट्यून नहीं है, यूट्यूब कॉपीराइट नो प्लीज़ है। तो फिर बैटरी लो हो चुकी है मोबाइल की मेरी, छोड़ दो। तो फिर ऐसा है, 2000 रुपीज़ में मुझे मिला है। तो फिर गाइस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो। तो फिर इतना ही, रिव्यू वीडियो इसके बाद आएगा। बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय, कैमरा बहुत दूर लगाया था। बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पे। और हाँ, कोर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल दिस स्टफ बाय अ वेरी वर्थी प्राइस, बिकॉज 2000 इज अ रियली वर्थी प्राइस। ये जो है उससे, ये जो कंपनी है, सो थैंक यू कोर फॉर गिविंग मी दिस। बाय गाइस, ज़रूर बाय करना, फिटनेस पे वर्क करना। बाय, रिव्यू वीडियो इसके बाद आएगा। बाय गाइस, बाय।